ओके गूगल, सट डाउन कंप्यूटर। यस ट्रिकी दया। दोस्तों, गूगल असिस्टेंट का यूज हम जनरली अपने एंड्रॉयड डिवाइस में करते हैं, लेकिन क्या इस असिस्टेंट का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर को, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है, उसको हम कोई कमांड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? लेकिन आपने देखा अभी शुरू में कि मैंने ओके गूगल बोल के कंप्यूटर को ऑफ कर लिया था, और मतलब उसे ऑन भी कर सकते हैं। तो अपने कमांड के हिसाब से हमें क्या काम करवाना है अपने कंप्यूटर से, वो हम असिस्टेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन प्रोसेस से गुजरना है, और इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ पे जाके एक एक करके इन वेबसाइट को विजिट करोगे, जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है पुश बुलेट, और यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर आप गूगल पे साइन इन कर लोगे। मतलब आपको लॉग इन करना है गूगल अकाउंट से, वो अकाउंट जो अकाउंट आपके फ़ोन में कनेक्ट है, या मतलब वो अकाउंट जिससे आपका गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल रहा है। यहाँ सेटअप योर कंप्यूटर पे आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद से आपको सेटिंग्स पे जाना है। फिर यहाँ अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि SS टोकन है, इस पे आपको क्लिक करना है, एक टोकन हमें क्रिएट करना है। और ये जो लिंक आप देख पा रहे हो, इस लिंक को हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है? इसके लिए आपको दूसरे लिंक पे जाना है, और यहाँ पे पुश टू रन, इसको आपको सर्च कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो पुश रन वेबसाइट है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड कर आप इंस्टॉल कर लो इसे। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे इसे ओके कर लेना है, और यहाँ से इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में आपको पुश बुलेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो SS टोकन लिंक है उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। फिर से एनेबल करने के बाद यहाँ पे जो टाइटल फिल्टर है, यहाँ पे आपको नाम दे देना है। तो मैंने ट्रिकी दया नाम दे दिया, और इसे यहाँ पे ओके कर दिया। वापस से यहाँ पे पुश टू रन का ऑप्शन खुला है, इसे आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए जो है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी आप काम करवाना चाहते हैं अपने असिस्टेंट से, तो मैं यहाँ पे शट डाउन कंप्यूटर शटडाउन, और यहाँ पे ST10 करके आप इसे ओके कर लो। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है, मतलब जो रेड था वो ग्रीन हो गया। अब यहाँ से आप इसे ओके कर लो। अब आपको क्या करना है, वापस से जाना है IFTTT वेबसाइट पे, जिसका लिंक इसका भी मैं दे दिया हूँ। यहाँ से आप गूगल से अकाउंट बनाओगे, और सेम अकाउंट से आप इसे भी लॉगिन कर लेना है आपको। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इफ़ दिस ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है गूगल असिस्टेंट। तो यहाँ पे असिस्टेंट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसे मैंने क्लिक कर दिया, और फर्स्ट ऑप्शन से अ सिंपल फ्रेज पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप कंप्यूटर को क्या कमांड देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे शट डाउन का कमांड देना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर मेरा शट डाउन हो जाए। तो शट डाउन कंप्यूटर आप यहाँ पे लिख दो, और वापस से आप रिप्लाई में गूगल असिस्टेंट से रिप्लाई में क्या बुलवाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यश टिके रहे। उसके बाद से यहाँ पे आप लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, और यहाँ पे आपको क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक कर लेना है। फिर देन दैट पे आपको क्लिक करना है, फिर वापस से सर्च पे क्लिक करना है, और पुश बुलेट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से फर्स्ट नोट पे आपको क्लिक कर लेना है, फिर कनेक्ट करना है, और आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे इसे अप्रूव कर लोगे। अप्रूव करने के बाद वापस से यहाँ पे टाइटल में आपको लिखना है कि आपने टाइटल वहाँ पे क्या दिया था। तो ट्रिक दे, आप टाइटल दे दो, और मैसेज में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, तो यहाँ पे शट डाउन कंप्यूटर ये आपको लिख देना है। और वापस यहाँ पे क्रिएट एक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आप इसे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दो। अब आपका कंप्लीट तैयार हो गया है कि आप गूगल असिस्टेंट से आप बोलोगे कि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो वो हो जाएगा। अब आपको गूगल होम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, और वहाँ से सारा सेटअप आपको कर लेना है। करने के बाद ये मेरी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई है। अब ये रेडी हो गया है कि हम गूगल असिस्टेंट से बोलें कि मेरे कंप्यूटर को ऑफ करो, तो ये कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा कुछ ही यूं। ओके गूगल, शट डाउन कंप्यूटर। यस ट्रिकी।
की दया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।